हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और मैं हूं मृत्युंजय पंड्या। एंड गाइस आप सभी लोगों का मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे इस ब्रांड नए वीडियो में, एक ब्रांड न्यू सीरीज़ में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एकेडमिक्स से हटकर कुछ चीज़ों के बारे में। वो क्या क्या होने वाला है वो आपको इस सीरीज़ में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा इस सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में एकेडमिक्स से हटकर बातें होंगी, आप लोगों के करियर गाइडेंस के बारे में बात होगी, क्या किस लाइन में आप करियर बना सकते हो, अगर आप 11, 12 PCM, PCB के स्टूडेंट्स हो तो क्या इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो, क्या क्या आप लोग करियर, किस किस टाइप की चीज़ों में आप लोग करियर बना सकते हो, एंड और आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, क्या एक माइंड फ्रेम के साथ आप लोगों को कॉलेज में जाना चाहिए, क्या एक माइंड फ्रेम के साथ आपको स्कूल की स्टडीज़ करनी चाहिए। सो बेसिकली ये सीरीज़ आप लोगों को नॉन एकेडमिक फ्रंट्स पर आपके खुद के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए और अपने लाइफ को एक प्रॉपर पाथ पर ले जाने के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। और केमिस्ट्री के वीडियोस तो यार नो डाउट आते ही रहेंगे, आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री पूरी मिलती रहेगी, लेकिन ये सीरीज़ कुछ हटके है। ये सीरीज़ ना सिर्फ स्कूल का स्टूडेंट देख सकता है, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एक मास्टर्स जो स्टूडेंट कर रहा है वो भी देख सकते हैं। अगर आप 9th-10th में हो तो आप अभी से अगर ये सीरीज़ देखोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। सो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू अर्न मनी वाइल स्टडी। पढ़ते पढ़ते कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, अब डेफिनेटली हम लोग ये बात जानते हैं कि आप लोग लाखों करोड़ों तो अभी अर्न नहीं करोगे, लेकिन इतनी अर्निंग तो आप लोग डेफिनेटली आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो, कि आप अपने खुद के एक्सपेंसेस, अपने खुद के खर्चे निकाल सको, अपने पेरेंट्स पर जो ऑलरेडी आप लोगों के फीस वगैरह का बर्डन है उसको आप लोग कम तो खैर नहीं कर पाओगे, या अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखते हो। पैसे अर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो जाओ, पैसे अर्न करने का ये मतलब है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं पढ़ते पढ़ते, सो दैट आप अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे ले आने से पहले, वो सारे लोग, वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गाइस अभी वो जो ग्रेविटी सर्कल के पास में सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद आप किस वीडियो पर मुझे, किस टॉपिक पर मुझे बात करते हुए देखना चाहते हो वो डेफिनेटली बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा। गाइस ये वीडियोज़ स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी या जिस चीज़ पर आप लोग लैग कर रहे हो, आप लोग मुझसे डेफिनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर करो, हम लोग उस चीज़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी एंड वी वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ थ्रू आउट। सो गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हाउ टू अर्न मनी व्हाइल स्टडिंग। हाय गाइस, सो पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, जो पहली टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, वैसे बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट रिसेंटली क्या हुआ कि मैं अपने कुछ कज़िन से मिला और देवर इन देयर ग्रेजुएशन, वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों फैमिली गैदरिंग्स में ज़्यादा नहीं आते हो, या आप बोलते हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होम ट्यूशंस लेने जाते हैं। सो गाइस होम ट्यूशंस का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक आप लोग अगर अभी 9th अगर आप लोग अभी 11th-12th में हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो यार इतने तो आप लोग एफिशिएंट हो कि आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक का मैथ्स, और अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो आप 9th-10th तक का मैथ्स पढ़ा सकते हो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप यार 4th से 8th तक का मैथ्स पढ़ाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस वो मेरे कजिन्स क्या करते थे या क्या करते हैं इनफैक्ट अभी, उन्होंने कुछ ऐसे बच्चे ढूंढ लिए हैं जो घर पर ही रहते हैं, ये लोग उनके घर विजिट करते हैं, हर दिन 1 घंटा टाइम निकाल कर जाते हैं,
और वहाँ पर उनको 1 घंटे में पढ़ाते हैं, मंथ में संडेज ऑफ रखते हैं, बाकी पूरे वीकडेज पढ़ाते हैं। दूसरा इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है, टाइमिंग का। यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक जॉब नहीं है कि आपको 4 बजे क्लास लेनी तो 4 बजे आना है, 10 बजे क्लास लेनी हो 10 बजे आना है। यहाँ पर ये उस बच्चे को फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा आज मैं 7 बजे आ रहा हूँ, बेटा आज अपन 6 बजे पढ़ने वाले हैं, बेटा आज हम लोग इतनी बजे पढ़ने वाले हैं। बस ये उतनी बजे पहुँच जाते हैं, बच्चा उसके घर पे ही है तो उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जाकर उसको पढ़ा देते हैं। एंड अगर मैं फीस लेने की बात करूँ, सो जो मेरा एक कज़िन है वो एक बड़ी सिटी में रहता है इंदौर, और वहाँ पर पेरेंट्स मंथली उसको 6,000-5,000 देने में नहीं चूकते। वो क्लास 7th, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है, 7th के लिए नियर अराउंड वो 3,500 रुपये महीने के ले रहा है, 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही इज टेकिंग 6,000 रुपीज़ मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाने के। तो अगर आप लोग, और एक मेरी सिस्टर है जो इंदौर में पढ़ाती है वो भी सेम प्राइस कॉस्ट कर रही है, और जो मेरी तीसरी सिस्टर है वो एक छोटे से एरिया में रहती है जहाँ पर अभी एजुकेशन का इतना ज़्यादा लोड नहीं है कि टीचर्स घर आकर पढ़ाएं, बट वो भी अगर एक 9th के बच्चे को पढ़ा रही है तो नियर अराउंड 2,500-3,000 मैथ्स और साइंस के ले रही है। तो गाइस इस चीज़ पर आप लोग फोकस कर सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में कुछ ऐसे 2-3 बच्चे ढूंढ लो, उनके पेरेंट्स से बात कर लो और उन्हें पढ़ाने चले जाओ। आप अगर दिन का 2 घंटे भी स्पेयर करते हो, और अगर आपको मिनिमम 2,500 के अगर 2 बच्चे भी मिल जाते हैं यार, तो आप महीने के 5,000 रुपये कमा सकते हो। नाउ 5,000 इन योर एज इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एक 11th 12th गोइंग बच्चा, या अगर एक जो बच्चा ग्रेजुएशन में है और अगर वो ऐसे 2 बच्चों को पढ़ा लेता है और लगभग 5,000-5,500 रुपये कमा लेता है, सो गाइस ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगा। इससे आप लोग कई सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से आपको मांगनी पड़ती है आप शायद नहीं मांगोगे। सो गाइस पहला मुझे जो फील लगता है कि हमें होम ट्यूशंस ढूंढनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से होम ट्यूशंस ढूंढते हो या आपको किस तरीके के बच्चे मिलते हैं, बट यस डेफिनेटली अगर आपने एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया और आपने अच्छा पढ़ाया, सो ये जो मेरे कजिन्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनको जो 2-2, 3-3 बच्चे मिले हैं ये सराउंडिंग के घरों से मिल गए, पड़ोसी पड़ोसी बच्चों ने इनको कॉन्टैक्ट कर लिया है और बोल लिया भैया आप हमें भी पढ़ा दीजिए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक घर में वो सारे जो आसपास के बच्चे हैं वो सबको इकट्ठा कर लेता है और एक साथ एक ही घंटे में 3 बच्चे पढ़ा लेता है। सो इन 1 आवर वन ऑफ माई ब्रदर इज अर्निंग लगभग 11,000-12,000, उसके सिस्टर 8-9 हज़ार कमा रही है, और जो मेरी तीसरी कजिन सिस्टर है वो अभी बी फार्मेसी कर रही है एंड शी इज अर्निंग नियर अराउंड 4-5,000-5,000। सो गाइज देखो ये 11-12 हज़ार तक, हम 15 हज़ार तक इस चीज़ को ले जा सकते हैं। सो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, होम ट्यूशन। हाय गाइज, सो पॉइंट नंबर 2 जो मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगा, एंड दैट पॉइंट इज आप ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक freelancer.com, guru.com, इस तरीके की कुछ वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन वेबसाइट्स पर आप लोग ऑनलाइन जाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर आप लोग टाइपिंग वर्क ले सकते हो। लाइक ये सब क्या है, USA बेस्ड वेबसाइट है, तो ये आपको जैसे YouTube डॉलर्स में पे करता है वैसे ये वेबसाइट्स भी आपको डॉलर्स में पे करती है। आपको करना क्या होता है, आपको इन वेबसाइट्स पर जाना होता है, फ्रीलांसर एंड गुरु। बेसिकली मुझे 2 वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिली, तो इन दोनों वेबसाइट्स पर आप जाएं, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं एंड जाकर गाइज यहाँ पर क्या होता है, आपको लोगों के असाइनमेंट्स लिखने होते हैं, आप लोगों को लोगों के लिए टाइपिंग वर्क करना होता है। लाइक बहुत सारे ऐसे लॉयर्स वगैरह होते हैं जिनको टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जिनको टाइपिंग करवानी होती है लेकिन उनको टाइपिंग कराने का टाइम नहीं मिलता। तो आप ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट सर्च कर सकते हो जहाँ पर आप लोग जाकर अपने लिए इस तरीके की जॉब ढूंढ सकते हो, आप उनका काम कीजिए वो आपको पे करेंगे। सो गाइस ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, देखो अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, सो आप लोग अगर मान लीजिए क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपके आसपास आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल्स लिखने का, असाइनमेंट्स लिखने का बहुत सारा लोड होता है। इनफैक्ट अगर आपके आसपास कोई कॉलेज जा रहा है या आप खुद कॉलेज में और आपके किसी सीनियर को ये काम करना है, सो आप उनसे कुछ छोटा मोटा अमाउंट चार्ज करके आप उनके लिए राइटिंग वर्क कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो मेरे साथ में जो लोग मास्टर्स कर रहे थे उनमें से कुछ लड़कियों को ये भी करते हुए देखा है कि जो हमारे वकील होते हैं, जो हमारे लॉयर्स होते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइपिंग लोड होता है, इनको बहुत सारे टाइपिंग करवानी होती है। तो अगर आप
इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग अच्छे से करना जानते हो। देखो ये टाइपिंग सीखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम हार्डली 10-15 दिन में इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, वो भी इंटरनेट से देखकर। आज के समय में सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप बड़े आराम से ऑनलाइन जाकर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऐसे लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए कि आप दिन भर में आपको जितने पेजेस टाइप कराने हैं आप हमें दे दीजिए, दिन में 1-2 घंटा निकालो उनके लिए पेजेस टाइप कर दो। अगर एक पेज का रेट आप 5 रुपये से 10 रुपये भी रखते हो और अगर वो आपको दिन के 10 पेज 100 पेज आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दिन के किसी के लिए 25-30 पेज टाइप कर देते हो सो दिन में आप बड़े आराम से 200-250 रुपये कमा सकते हो। अगर आप दिन के 200-250 कमा रहे हो तो महीने के कितने हो गए, 5-6 हज़ार रुपये के आसपास हो गए। सो देखो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने स्पेशल टाइम में निकाल कर कर सकते हो, दैट इज़ टाइपिंग वर्क ले लो, असाइनमेंट लिखने का काम ले लो। और जब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार ये पर्सन है जो असाइनमेंट्स बनाता है, हाँ यार ये पर्सन है ये टाइपिंग करता है, तो आपको एक नहीं आपको दूसरे लोग खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। एक बार निकल कर काम करने का नज़रिया रखो, आप लोगों को ऑटोमेटिकली लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। सो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 दैट इज़ आजकल आपने देखा होगा लोग पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, लोग फ़ोन पे का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं। आजकल लगभग सारी फीस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगा है, लोगों को ऑनलाइन डीडीज बनानी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग थोड़ा सा अपना नेट बैंकिंग चालू करके आप दूसरे लोगों के लिए, देखो अभी हमारे इंडिया में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों को करना नहीं आता, ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं करना आता, इसके लिए ये साइबर कैफ़े जाते हैं, ये शॉप्स पर जाकर ये काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके घर पे इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इन लोगों के लिए फ़ीस पे करने का काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, लाइक मैं आपके पास आया कि मुझे कॉलेज की फ़ीस पे करनी है भैया, तो आप बोलोगे कितनी फ़ीस पे करनी है, वो बोलेगा इतने रुपये मुझे भरने हैं। तो आप क्या कीजिए, आप उसकी जगह ट्रांजेक्शन कर दीजिए अपने बैंक अकाउंट से और बदले में आप उसके थोड़ा बहुत उस पर चार्ज ले सकते हैं। अगर आप किसी का 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लो और 100 रुपये उसका चार्ज ले लो। आप ऑनलाइन लोगों के फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, जो यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो रिचार्ज नहीं कर पाते, हम पेटीएम से फ़ोनपे से उनका फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप ये छोटे मोटे काम आराम से बैठकर घर पे कर सकते हो। आप उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कर दो, आप उनके लिए कोई वेबसाइट से काम कर दीजिए, आप उनके लिए कुछ ऑर्डर कर दीजिए। लोगों को अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता, आप उनके लिए शॉपिंग कर लीजिए और बदले में नॉमिनल आप चार्ज ले सकते हो। तो महीने में अगर आप थोड़ा बहुत ये काम भी करते हो तो ये आपसे भी थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम आपका डेवलप होने लग जाता है। एंड लास्ट पॉइंट यार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूजुअली ये आप लोग चाहो तो कर सकते हो लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ सोशल मीडिया हैंडलिंग। सोशल मीडिया हैंडलिंग, नाउ व्हाट इज़ सोशल मीडिया हैंडलिंग, इसके अंदर क्या होता है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अभी राइट नाउ मेरे 37,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लगभग 500 फॉलोअर्स हैं, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन क्या होता है बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इंस्टाग्राम पर एक एक बच्चे को जवाब दूँ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक एक को जवाब दूँ। आप देखते भी हो, काफ़ी बच्चे नाराज़ भी होते कि सर जवाब नहीं देते। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मुझे बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाता। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैं आपको मेरे सोशल मीडिया का एसेस दूंगा, आप जो मेरे नाम का पेज बना है दैट इज़ मृत्युंजय पंड्या, आप उसे असेस करेंगे दिन में 1 घंटे, शाम को रात को जब भी टाइम मिले मॉर्निंग में आप असेस करेंगे, आप देखेंगे कितने लोगों के मैसेजेस आए, आप उन मैसेजेस का जवाब देंगे। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है तो आप मुझे कॉल करेंगे कि सर इस पर्सन का एक ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं उसका जवाब जब भी मुझे मिलेगा टाइम मैं आपको दे दूंगा, आप उसको जवाब दे देंगे। आप मेरी तरफ से पोस्ट करेंगे, अभी ये स्पेशल वीडियो आने वाला है, इस स्पेशल वीडियो के लिए पहले मैंने यूट्यूब पर पोस्ट डाल दिया था, तो पोस्ट डालने के लिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता कि बेटा ये पोस्ट डाल दो, हम लोग ये वीडियो शूट करने वाले, तो आप फटाफट से ये वीडियो शूट कर सकते थे, आप फटाफट से क्या कर सकते थे, आप उसके लिए पोस्ट डाल सकते थे। तो वो सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए मैं आपको 2,000-2,500 रुपये देने को तैयार हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने आसपास ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे डेफिनेटली, स्कूल्स होंगे डेफिनेटली, रेस्टोरेंट्स होंगे डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स होंगे, कोई बड़े लॉयर होंगे, कोई बड़े आर्किटेक्ट होंगे, कोई बड़े इंजीनियर होंगे, कोई बड़े डॉक्टर्स होंगे, आप इन लोगों से जाकर बात तो करो कि सर हमारा ये काम है,
मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग करता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपके नाम का सोशल मीडिया पेज मैं खुद बनाऊँगा, वो पेज होगा, वो पेज का पासवर्ड आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, मैं पूरी तरीके से इस पेज को क्लीन रखूँगा, मैं आप लोगों को जो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे मैं उनके जवाब दूंगा, आपके लिए रेगुलर पोस्ट डालूंगा, इससे आपका भी फ़ायदा होगा। अगर मान लो मैं रोज़ रेगुलरली यूट्यूब पे आता हूँ, मैं रोज़ रेगुलरली इंस्टाग्राम पे आप लोगों को जवाब देता हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी, मैं पब्लिसाइज होऊंगा, मैं ग्रो करूंगा। वैसे ही बेटा हर इंसान ग्रो करना चाहता है, तो आप अपने आसपास ऐसे 5-6-10 लोग ढूंढ लो, दे मे बी डॉक्टर, लॉयर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, जिनका पेज बनाकर उनके बारे में पोस्ट वगैरह कर सकते हो। अगर 1-10-2,000 रुपये भी महीने के ले रहे हो, या चलो 1,000 रुपये भी महीने के ले रहे हो शुरू में, आप 10 ढूंढ लीजिए, 10,000 रुपये तक आप पहुंच सकते हो महीने में। और आपको टाइम कितना डिवोट करना है यार, जितना टाइम अपने इंस्टाग्राम पे देते हो या जितना टाइम यूट्यूब पर देते हो, फालतू चीज़ों में देते हो, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी दे दो। तो गाइस सोशल मीडिया हैंडलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम पे, जो आप लोग कर सकते हो। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए, जैसे आप ट्यूशन्स ले सकते हो, दैट इज़ होम ट्यूशन्स, आप लोग ऑनलाइन जाकर टाइपिंग वर्क वगैरह ले सकते हो, आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैंडल कर सकते हो, जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप इस पर ज़रूर वर्क करो। आई होप, आई एम श्योर कि आप लोग थोड़ा बहुत खुद से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। गाइज अब चलो, इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो गया है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आई होप मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी बताई हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सोची थी। कीप योर माइंड ओपन, आप भी अपने आसपास और कई चीज़ें सर्च कर सकते हो, अर्न करने के तरीके सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन जो आप लोग टाइम वेस्ट करते हो उसको थोड़ा वेस्ट करना कम करो और उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करो, तो आप लोग डेफिनेटली अर्न करने लग जाओगे। और अगर आपने एक बार अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उस पैसे की अहमियत आपको मालूम पड़ेगी जो आपके पास अभी आना शुरू हुआ है। तब आप सीखोगे कि यार मेरे पास इस महीने 5,000 रुपये आया है, तो मैं उस 5,000 रुपये को कैसे बचा के रखूँ, उस 5,000 रुपये को मैं कैसे खर्च करूँ, क्या मुझे रिचार्ज करना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ को ख़रीदना चाहिए। और जब आप एक बार इस चीज़ को, एक उस पैसे कमाने के नशे को एक बार जब आप फील करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन गाइस ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इट शुड बी पार्ट टाइम, आप इसको अपने दिन का सिर्फ 1-2 घंटा डिवोट करो, उसके अलावा बाकी टाइम अपनी स्टडीज़ पर लगाओ, क्योंकि करियर अभी आप लोगों को बनाना है। लेकिन अगर आप इस एज में 9, 10, 11, 12 एंड कॉलेज, यानी कि कुछ 18, 19, 20 साल तक अगर आप थोड़ा बहुत खुद से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, तो जब आप 25-30 तक पहुंचोगे, आपके अंदर एक इतना ज़्यादा चेंज आ चुका होगा, आप इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके होगे, आप लोगों को फेस करना सीख चुके होगे, आप लोगों से बात करना समझ चुके होगे किस तरीके से हमें बात करना है, एंड आप जो स्केल पर पहुंचोगे वो शायद आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता। सो गाइस आई होप मैंने आपको कुछ मोटिवेट किया, कुछ ट्रिक्स बताई। अब आप लोगों का बस यही काम है कि इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ भी, अपने कलीग्स के साथ भी, अपने कजिन्स के साथ भी, फैमिली मेम्बर के साथ भी। ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और उस पर हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग पोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेल, एंड जो मैंने आपको बताया उस पर विचार करना, दैट इज सोचना ज़रूर। सो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।